बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया के एजुकेशनल सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है और आज हम फिर से सीखेंगे कुछ छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस बच्चों के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस. वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो. नहा लो, टेक अ शावर. नहा लो, टेक अ शावर. ब्रश कर लो, कहते हैं ना बच्चों को, ब्रश योर टीथ. ब्रश योर टीथ. कुल्ला कर लो, रिंस योर माउथ. कुल्ला कर लो, रिंस योर माउथ. रिंस का मतलब कोई चीज़ को खंगालना होता है. कपड़े को भी जब हम खंगालते हैं तो उसे भी रिंस करना कहते हैं, रिंस द क्लोथ. उसी तरह से रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो. जब हम बच्चे को ब्रश करना सिखाते हैं तो वो कई बारी झाग को निगल लेते हैं या फिर कुल्ले को निगल लेते हैं, वो बाहर नहीं फेंकते. तो आपको कहना है स्पिट आउट, डोंट स्वेलो, स्पिट आउट, बाहर फेंको. स्पिट, स्पिटिंग मतलब थूक फेंकना होता है, तो स्पिट आउट, बाहर फेंको. डोंट स्वेलो, निगलो मत. वॉश योर हैंड, अपने हाथ साफ करो. अगर साबुन से साफ करना है तो वॉश योर हैंड विथ सोप. वाइप योर हैंड, यानी कि अपने हाथ पोंछ लो. मेक योर बेड, अपना बिस्तर ठीक करो. मेक योर बेड, अपना बिस्तर ठीक करो. इसी को अगर थोड़ा आप रिक्वेस्ट के लहजे में सिखाना चाहते हैं बच्चे को तो कहना है कैन यू प्लीज़ मेक योर बेड. कैन यू प्लीज़ मेक योर बेड, क्या तुम अपना बेड ठीक कर सकते हो. टेक अ नैप, थोड़ी देर के लिए सो जाओ. टेक अ नैप, थोड़ी देर के लिए सो जाओ. तो ये थे कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हर रोज़ दिन में कई बारी हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं. तो उन्हें इंग्लिश में इस तरीके से सिखाएं, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे. एंड आई सी यू ऑल इन अनदर वीडियो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना है बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया को. थैंक यू सो मच. बाय बाय.